कि अप्रैल फूल क्या है और इसको मनाना जो है वो कैसा है और जो लोग मनाते हैं उसके मुताबिक बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए, अब ये बात कही जाती है, ये जो इसका ओरिजिन है, ये कहां से ये त्यौहार आया, कहां ये जाता है कि जब ईसाई स्पेन में दाखिल हुए थे क्रिश्चियंस, तो उन्होंने इतना खून बहाया था, इतना खून बहाया था वहां के मुसलमानों का कि उनको यकीन हो गया था कि अब कोई मुसलमान बाकी नहीं बचा। ये हम जो आजकल कत्लो गारत गरी चलती है, बाज़ औक़ात परेशान होते हैं, ये भी उन कत्लो गारत गरी के मुकाबले में बहुत कम है जो उससे पहले हो चुकी। पूरे मुल्क के अंदर चुन चुन के मुसलमानों को कत्ल किया था। तो क्या हुआ था कि जो बच्चे कुछ मुसलमान थे, या तो वो तकैये में चले गए थे, नाम भी उन्होंने ईसाइयों वाले रख लिए थे, सलीबे भी उन्होंने गलों में लटका ली थी, कुछ छुप गए थे। अब ईसाइयों ने सोचा कि किस तरह से इनको स्पेन में से उन छुपे हुए मुसलमानों को निकाला जाए। अब उन्होंने एक मंसूबा बनाया, कहा जाता है, और ऐलान किया कि यकुम अप्रैल, जो 1 अप्रैल होगी, उसमें तमाम मुसलमान जो है गरनाता में जमा हो जाए ताकि हम उनको उनके मुल्क भिजवा सकें। अच्छा, इससे पूरे मार्च के महीने में ऐलान होते रहे कि तमाम मुसलमान जो है वो यहां पर आकर जमा हो जाए, मैदानों में उनके लिए खेमे लगाए गए, बहरी जहाज साहिलों पर आकर लंगर अंदाज हो गए, और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन दिला दिया कि आपको अपने मुल्क भिजवाया जाएगा, आप आ जाए सामने, सब चीजें आपके लिए इंतजाम हो गए। और आज से तकरीबन 500 साल पहले का यह वाकया, तो यकुम अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल के दिन तमाम मुसलमान जो है वो वहां पर आकर जमा हो गए, छुपे हुए थे वो भी सारे, उन सबको बहरी जहाज में बिठाया गया। ईसाई बाकायदा अलविदा कहने के लिए उनको आए, जहाज में औरतें भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तमाम मुसलमानों को बीच समंदर में, गहरे समंदर में ले जाकर डुबो दिया गया। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने पर इस तरह से पूरे स्पेन के अंदर एक जश्न मनाया गया। फिर स्पेन से ये जश्न जो है होते होते पूरे यूरोप में उस दिन का खास जश्न मनाया जाता है कि जिसे यकुम अप्रैल के फूल और बेवकूफों का दिन कहा जाता है। तो अब मुसलमान भी बहरहाल इस दिन को मनाकर बहुत खुश होते हैं। तो इसके अंदर चाहिए, कुछ लोग इस पर एतराज भी करते हैं इस तारीख पर, और कुछ लोग इसकी हिमायत भी करते हैं। तो बहरहाल जो भी बात हो, जैसे कि अक्सर SMS वगैरह भी सिलसिले में आते हैं, लोगों ने बनाया भी कि जिस झूठ पर खुदा गजबनाक होता है उस दिन उसको मनाकर मुसलमान खुशी मनाते हैं, जिस पर खुदा गजबनाक होता है झूठ बोलने पर, उस पर मुसलमान खुशी मना रहे हैं। तो बहरहाल झूठ बोलने की इंतहाई शिद्दत के साथ, बहुत सख्ती के साथ ममानियत आई, बहुत शिद्दत के साथ ममानियत है, और बहुत सख्त हदीसें सिलसिले में आई हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबे व इन काना माज़िहा, लानत तो झूठे पर चाहे वो मजाक ही में क्यों ना झूठ बोल रहा हूं। और अब हो सकता है कि चले वाकया बिल्फर इसकी ये तारीख को हम कहें कि नहीं भी है, कि कुछ और तारीखें भी बताई गई कि अप्रैल फूल का दिन जो क्यों मनाया जाता था, और बहुत सारे इसके जो ओरिजिन वाली जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी अगर हो, तब भी इस दिन जो झूठ मनाया जाता है और झूठ लोगों से किया जाता है, वो किसी को भी तंग करना, सताना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब हराम और गुनाह कबीरा में से। और ऐसे अफराद के मुतालिक कहा जाता है कि जो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके लिए फिर आखिरत में जन्नत के दरवाजे पर उनसे एक मजाक किया जाएगा। वो जो अक्सर आपने सुना भी होगा, पिछले लेक्चर्स में बात बयान की जा चुकी है कि बहुत सारे अफराद जो इस तरह से लोगों का यहां पर मजाक उड़ाते थे, उनको कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जैसे ही जन्नत में दरवाजे की तरफ वो जाएंगे, एकदम से वहां दरवाजा गायब हो जाएगा। फिर कहा जाएगा किसी और तरफ के, वहां जाओ, वहां है जन्नत का दरवाजा। वो भागते हुए वहां पर जाएंगे, वहां पर भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, और इस तरह से उनका मजाक वहां पर उड़ाया जाएगा। तुमने इस दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाया था, अब यहां पर आकर इस चीज को भुगतो। तो बहरहाल इन तमाम चीजों के असरात आखिरत में जाकर जाहिर होंगे। तो यहां पर मामूली मामूली बातों पर इस तरह से लोगों से मजाक करना, उनको परेशान करना, चाहे एक दो मिनट बाद ही आप कह दें कि भाई मैंने तो मजाक किया था, तब भी हराम और गुनाह कबीरा लिखा जाता है। तो बहरहाल इस दिन को अपनी तौर पर कोशिश करें, और खासतौर पर इन लोगों के बने हुए दिन जो है, चाहे वो मदर्स डे और फादर्स डे इस टाइप के दिन ही क्यों ना हो, मेरा मशवरा है कि इन लोगों के बनाए हुए दिनों पर, खासतौर पर जो यहूद और नसारा ने इन्वेंट किए हैं, इस दिन तो उन चीजों को ना करें, वरना ये होगा कि उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, वो आपके अंदर रच बस जाएगी इस तरह दिनों के बहाने। मैं और बहुत सारे दिनों के नाम नहीं ले रहा जो गैर अखलाकी तौर पर होते हैं, लेकिन बहरहाल कम से कम चाहे वो वालदेन के हक वाला ही दिन ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहां तो हर दिन यौम वालदेन,
या तो नहीं कि उसे उनको जो है एक दफा साल में गुलदस्ता भिजवा दिया और एक दफा ईमेल कर दिया और विश कर दिया उनको, यहां तो 24 घंटे और हर वक्त वालिदैन का ख्याल रखना है और हर दिन 365 दिन जो है साल के वो सब के सब यौम मादर और यौम फादर जो भी कहा जाए उसको वो सब है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله